अब मैं बात महात्मा गांधी से ही शुरू करता हूं। कई बार बापू का नाम लिया गया है, गांधी लोहिया ये चर्चा हुई है। महात्मा गांधी बड़ी कम उम्र में उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली, और किस्सा आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। 8 वर्ष की आयु थे, विद्यालय में पढ़ते थे, राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने गए थे। नाटक देखा, नाटक देख करके आए, जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि हमारी अंतर्ध्वनि सत्य है। और उस नाटक के जितने डायलॉग थे शीशे के सामने खड़े होकर वो दोहराते थे। अब कल्पना करिए कि 8 वर्ष का बच्चा प्रतिज्ञा करता है कि कुछ भी हो जाए, जितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी कष्ट सहना पड़े, लेकिन सत्य से कभी नहीं डिगूंगा, सत्य से कभी नहीं हटूंगा। और मुझे लगता है कि गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, अब ये सब बताया गया, मैं दोहरा नहीं चाहता हूं। देश को आजादी मिली, क्या क्या किया गांधी जी ने, लेकिन सब कुछ जो हासिल हुआ उसके केंद्र बिंदु में एक ही बात थी, सत्य। और जीवन भर वो सत्य से बंधे रहे और सत्य के अधीन उन्होंने काम किया, आचरण किया। उनके जीवन के हर पहलू को जांचिए आप, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में। जितनी चुनौतियां आईं, जितनी परीक्षाएं आईं, सत्य कभी नहीं त्यागा। और महात्मा गांधी अंतर्ध्वनि को पहचान लिए, परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोग मंच पर भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो ये बात कह सकता है। बट डिड यू नो दैट ही डिड नॉट हैव ए सिंगल यूनिवर्सिटी डिग्री और क्वालिफिकेशन? देर आर मेनी ऑफ अस हु थिंक दैट महात्मा गांधी हैड ए लॉ डिग्री। नो, ही डिड नॉट। हिज ओनली क्वालिफिकेशन वॉज ए हाई स्कूल डिप्लोमा। ही क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस लॉ, ही डिड नॉट हैव ए लॉ डिग्री। ही हैड नो डिग्री, यस, जस्ट लुक एट हाउ एजुकेटेड ही वॉज, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता बने। सो लेट मी ऑल्सो मेक इट क्लियर टू यू दैट डू नॉट ओनली बी इंडल्जिंग इन द फॉर्मल कनेक्शन विद द डिग्री एंड वॉट यू थिंक इज एजुकेशन। केवल डिग्री एजुकेशन नहीं है, ये बात मैं आपको दोहराना चाहता हूं। मार्क ट्वाइन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। मार्क ट्वाइन की एक बड़ी फेमस बात है जो मुझे लगता है शिक्षा से जुड़े हुए दुनिया के तमाम विद्वान हर बार कहते हैं, और मार्क ट्वाइन ने कहा कभी, आई डिड नॉट अलाउ माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। थिंक अबाउट दिस, ही डिड नॉट अलाउ द स्कूलिंग, ही डिड नॉट अलाउ हिज स्कूलिंग टू इंटरफियर विद हिज एजुकेशन।